सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। ये हमारा अस्तल है, हम पहले अस्तल पे गले को काटेंगे। पहले हम अस्तल पे गले की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे गले की लंबाई, रखेंगे हम 9 इंच की, और इसमें हम गोलाई में इस तरीके से शेप दे लेंगे। इसमें हमें ज्यादा गोलाई में शेप नहीं देना है। अब ये हमारा बीच वाला सेंटर है, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे। एक इंच का हमने यहाँ पे गैप रखा है। यहाँ पे भी हम 1-1 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब अस्तल के बराबर हम कपड़े को काटेंगे। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे कैंची के कट लगा लेंगे और इसको सीधा करके सिलाई लगाएंगे। अब इसको धागे को अंदर दबा के हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। अब हमें एक कपड़ा लेना है और अस्तल के नीचे रखेंगे। अब हम इसको सीधा करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे गले पे हम पाइपिंग लगाएंगे। अब ये लेस लगा ली है, अब हम इसको लगाएंगे। अब इसके बराबर हम कपड़े को काटेंगे। इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे।
5 पिन के लिए कपड़े पट्टी को पहले हमें डबल करना है। अब इसको अंदर के साइड दबा के सिलाई लगानी है इसके ऊपर। अब ये कपड़े को इस तरीके से अंदर के साथ दबा के अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे अस्तर के बराबर। अब हम यहाँ से इस पे पाइपिंग लगाएंगे। अब इसको भी अंदर के साथ दबाएंगे और पाइपिंग बनाएंगे। अभी दूसरे वाले स्थल की भी कटिंग करेंगे। अब हमने अस्तर से आधा आधा इंच कपड़े को ज्यादा रखा है। अच्छे से सेट कर लें। यहाँ से हम इसको बराबर करेंगे। ये बन गई हमारे ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।